हेलो एवरीबॉडी दोस्तों, आज 14 अगस्त को रेलवे का एग्ज़ाम था एएलपी का, तो उस पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, तो उसमें क्या क्या क्वेश्चन आए हैं इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ में आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा, पीडीएफ कैसे मिलेगी वो आपको वीडियो का लास्ट में मिल जाएगा। दोस्तों अब आप मुझे अनअकैडमी ऐप पर भी फॉलो कर सकते हो, अनअकैडमी एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जहाँ अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप अपने एजुकेशन पूरा कर सकते हो। दोस्तों आप मुझे फॉलो करके आपका कोई कमेंट है, कोई मैसेज है वो मुझे कर सकते हो, एक घंटे के अंदर अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से फॉलो कर लीजिए अभी के अभी। दोस्तों अब बात करते हैं हम आज के 14 अगस्त के करंट अफेयर के क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों ये रहा आपके पास पहला प्रश्न, 21, 42, 28 का एलसीएम क्या होगा, तो इसका उत्तर है 84, देख सकते हो। उसके बाद में एक क्वेश्चन आया है कि ये जिसका उत्तर 210 है, आप वो पीडीएफ मिलेगी उसमें आप अच्छी तरह देख लेना। उसके बाद 130 का स्क्वायर पूछा है, तो 16900, दो सवाल परसेंटेज क्या थे, जैसे 100 का 40% कितना होगा, 50 का 20% कितना होगा, इस टाइप से प्रश्न आए थे। जीएसटी की फुल फॉर्म दोस्तों गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये सवाल आया था। सीता वॉरियर बुक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है अमीश त्रिपाठी के द्वारा, ये क्वेश्चन भी आया था। उसके बाद वर्तमान में सीएजी कौन है भारत के, तो राजीव महर्षि है। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब आई, तो 1911 में हुआ ये। केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो पिनाराई विजयन है, ये क्वेश्चन भी आया है। पुराना फिल्म के डायरेक्टर कौन है, राहुल बोस है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आए हैं आपके आज के शिफ्ट में, आगे क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ। तो आगे है फोर्थ बिमटेक समिट कहाँ हुई, तो नेपाल में आयोजित हुई थी। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, वेणुगोपाल है। यूएसए की कैपिटल वाशिंगटन डीसी है। विश्वनाथन आनंद किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। कार को यदि गैराज में रखा जाता है तो घोड़े को कहाँ रखा जाता है, अस्तबल में रखा जाता है। 6, 12, 18 का अगला क्या होगा, 24 होगा। ई जे ओ टी का अगला क्या होगा, तो वाई आएगा। 15 मार्च 2020 को कौन सा वार होगा, रविवार। पौधों में भोजन किसके द्वारा भेजा जाता है, फ्लोएम के द्वारा। पीरियोडिक टेबल में पहला नॉन मेटल कौन सा होता है, हाइड्रोजन होता है। ओडोमीटर क्या नापा जाता है, ओडोमीटर से, तो ओडोमीटर से दूरी नापी जाती है। दोस्तों लगभग सभी एग्जाम में जो क्वेश्चन का लेवल है वो एक जैसा ही रखा जाता है, यानी कि सेम टॉपिक पे ही क्वेश्चन हो रहे हैं। तो आप जो क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं ना, उन टॉपिक को बिल्कुल अच्छी तरह क्लियर कर लीजिए, आपका एग्जाम 100% क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों अब बात आती है पीडीएफ की, तो आप पीडीएफ कैसे ले सकते हो, तो दोस्तों आपको पीडीएफ के लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां से अनअकैडमी का लिंक मिलेगा आपको, वहां से फॉलो कर लीजिए, मुझे मैसेज करें, या आप किसी भी वीडियो को नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं पीडीएफ के लिए, वहां आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहां मैंने पीडीएफ डाल दी है, ठीक है दोस्तों, इन सभी क्वेश्चन के आंसर के साथ में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, आपको वीडियो कैसी लगी है लाइक और कमेंट करके जरूर बताना है। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान करे आपका दिन शुभ रहे।